1978 में एक आर्मी ऑफिसर ने डिसाइड किया कि वो दुनिया का बेस्ट शूटर बनेगा। इसके लिए उसने प्रेपरेशन स्टार्ट कर दी और 1938 में होने वाले नेशनल कॉम्पिटिशन्स में उसने पार्टिसिपेट किया और हर जगह वो जीत गया। पूरे यूरोप में सबको यकीन था कि 1940 में होने वाले ओलंपिक्स में जीतेगा तो सिर्फ कार्लोस ही जीतेगा, लेकिन 1939 में ट्रेनिंग के दौरान एक ग्रेनेड उसके हाथ में फट गया, जिसकी वजह से वो हॉस्पिटलाइज हो गया। हॉस्पिटलाइज होने के बाद जब वो होश में आया तो उसे पता चला कि उसका शूटिंग हैंड मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय हो गया था और कैंसर बनने की वजह से उसके उस हाथ को उसकी बॉडी से रिमूव कर दिया गया था।